इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चांदी के बेशकीमती गहने सस्ते दामों में बेचने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद महंगे दाम के बेशकीमती ज्वेलरी सस्ते दामों में बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवकार श्री बड़ा सराफा चांदी की होलसेल दुकान पर काम करने के दौरान 1 किलो 800 ग्राम चांदी के बेशकीमती आभूषण चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की डीसीपी निमिष अग्रवाल के मुताबिक आरोपी चोरी की बेशकीमती ज्वेलरी सस्ते दामों में बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना नाम सन्नी उर्फ छोटू उर्फ प्रियांशु सिंह निवासी बाणगंगा बताया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने आभूषण नवकार श्री बड़ा सराफा चांदी की होलसेल दुकान से चुराए थे। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। होलसेल सराफा दुकान के व्यापारी के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उसके दुकान से जो है उसके काफ़ी चांदी चोरी हो रहा है और काफ़ी समय से चोरी हो रहा है। तो इस संबंध में जो है जांच पड़ताल करने पर ये पाया गया और उसमें एक व्यक्ति को, क्योंकि उनका ही कर्मचारी था, उससे पकड़ा गया है। उससे लगभग 1 किलो 800 ग्राम चांदी बरामद की हुई है, जिसने उसको धीरे धीरे करके जो है अपने कार्य के दौरान जो है उनकी दुकान से चुराया था और वो बेचने की फिराक में घूम रहा था। जब क्राइम ब्रांच को इस बात की खबर लगी एक व्यक्ति यहाँ पे चांदी बेचने के लिए घूम रहा है, तो उसको मुखबिर की सूचना में पकड़ा गया और फिर उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है।